सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम June 2018। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डीटी, और इस अल्फा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है। तो इसको आप डायरेक्टली जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ इन्फिनिटी है, तो उसको लिमिट फॉर्म में चेंज करो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिख लो, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डीटी लिख सकते हो। इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स एक्स, और माइनस 10 इनवर्स 0 वो 0 हो जाएगा। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 की तरफ टेंड कर जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो जो सी ऑप्शन है वो लॉग अल्फा की वैल्यू कह रहा है, लॉग पाई बाई 2 नॉट इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन फॉल्स हो गया। साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ट्रू हो गया, और बी ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू। अब ए ऑप्शन में यहाँ डायरेक्टली लेबनीज रूल यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये क्वांटिटी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे लेबनीज रूल से, डी अल्फा बाई डी टी करूंगा तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो आंसर शुड बी ए एंड डी ऑप्शन ट्रू। क्लियर है।